नमस्कार दोस्तों, यूनिक टॉक में आपका स्वागत है। फतेहगढ़ साहिब पंजाब राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर का पंजाब के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और इसे युद्ध भूमि के रूप में जाना जाता है। फतेहगढ़ साहिब का नाम गुरु गोविंद सिंह के 7 वर्षीय बेटे फतेह सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्हें मुगलों ने दीवार में चुनवा दिया था। फतेहगढ़ जिला सिखों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यह शहर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, तो आइए जानते हैं यहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सर हिंद मोरिंदा रोड पर स्थित है। वर्ष 1704 में साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को सरहिंद के फौजदार वजीर खान के आदेश पर दीवार में चुनवा दिया गया था। ये गुरुद्वारा उन्हीं की शहादत की याद में बनाया गया था। यहाँ पर उस ऊंचे स्थान को देखा जा सकता है जहाँ पर वे खड़े हुए थे, और उस स्थान को भी जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। जोर मेला, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव, बाबा जोरावर और फतेह सिंह के शहीदी दिवस यहाँ के प्रमुख दिवस है। नंबर 2, आम खास बाग। आम खास बाग का निर्माण जनता के लिए किया गया था। जब शाहजहां अपनी बेगम के साथ लाहौर आते या जाते थे तब वे यहां आराम करते थे। उनके लिए बाग में महलों का निर्माण किया गया था। इस परिसर में स्थित दौलत खान ए खास या शीश महल एक ऐसा स्मारक है जिसे सजावटी दीवारों, मीनारों, टैंकों, फव्वारों और सुंदर चमकदार टाइल्स वाले गुम्बद के साथ सजाया गया था। प्रतिवर्ष शहीदी जोर मेले के समय यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो होता है। नंबर 3, गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप। गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप सरहिंद चंडीगढ़ रोड पर स्थित है और फतेहगढ़ साहिब से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी देवी और उनके दोनों पुत्रों साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह के अंतिम संस्कार की स्मृति में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सरहिंद के फौजदार वजीर खान के डर की वजह से इन शहीदों के अंतिम संस्कार के लिए कोई भी अपनी जमीन देने को तैयार नहीं था। इसके बाद डोडरमल ने, जो कि गुरु गोविंद सिंह के प्रबल अनुयायी थे, उनके अंतिम संस्कार के लिए एक किसान से जमीन खरीदी। नंबर 4, रोजा शरीफ सिरहिंद। रोजा शरीफ सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लिए मक्का का दूसरा रूप है। सरहिंद वस्सी पठान रोड पर स्थित यह स्थान शेख अहमद फारूकी सरहिंदी को समर्पित है, जो कि 1563 से लेकर 1624 के बीच यहाँ रहे थे। इस स्थान पर कई मकबरे हैं जो शेख के परिवार वालों को समर्पित है। नंबर 5, संगोल म्यूजियम। ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित प्राचीन क्षेत्र है जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व संरक्षण करता है। संगोल लुधियाना चंडीगढ़ रोड पर स्थित है। संगोल म्यूजियम का उद्घाटन 1990 में किया गया था। इस म्यूजियम में अनेक महत्वपूर्ण प्राचीन अवशेषों को रखा गया है जिनसे पंजाब के सांस्कृतिक धरोहर समेत अनेक प्रकार की जानकारियां मिलती है, और फतेहगढ़ साहिब से यह करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 6, माता चक्रेश्वरी देवी जैन मंदिर। माता चक्रेश्वरी देवी जैन मंदिर सरहिंद चंडीगढ़ रोड पर एक गाँव अतेवाला में स्थित है। माता चक्रेश्वरी देवी की कथाएं पृथ्वीराज चौहान के समय से चली आ रही है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कुछ तीर्थयात्री बैलगाड़ियों में जैन मंदिरों की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने रास्ते में माता चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति खरीदी। माता चक्रेश्वरी देवी भगवान आदिनाथ की प्रबल अनुयायी थी। रात भर रुकने के बाद जब यात्रियों ने उस गाड़ी को हिलाने का प्रयत्न किया जिसमें माता की मूर्ति रखी हुई थी, तो वे बैलगाड़ी चली नहीं। अचानक आकाशवाणी हुई, इस स्थान को मेरा आवास रहने दो। आश्चर्यजनक रूप से उस बंजर भूमि में पानी का एक फव्वारा भी उभर आया। नंबर 7, साधना कसाई की मस्जिद फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में स्थित है। ये अद्भुत मस्जिद सरहिंदी ईंटों से बनाई गई है। इसमें टी शैली की चित्रकारी की गई है। ये मस्जिद पुरातत्व विभाग के अधीन सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। नंबर 8, जांच हवेली दीवान डोडरमल जी। जांच हवेली के नाम से मशहूर हवेली डोडरमल फतेहगढ़ साहिब से केवल 1 किलोमीटर दूर है। सरहिंदी ईंटों से बनी ये खूबसूरत हवेली दीवान डोडरमल का निवास स्थान था। डोडरमल मुगल काल के दौरान सरहिंद के शासक नवाब वजीर खान के दरबार में दीवान थे।
वे गुरु गोविंद सिंह जी के प्रबल अनुयायी थे। इनके अलावा आप यहाँ पर ब्रास में नाबिस के मकबरे, उस्ताद दी मजार आदि देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।